सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जब आप किसी की वीडियो देख रहे होते हैं तो साइड में या फिर किसी भी कोने में आपको छोटा सा लोगो नज़र आता होगा, तो आपके भी मन में ये सवाल पैदा होता होगा कि इस तरह का लोगो बनाते कैसे हैं और बनाकर अपनी वीडियो में लगाते कैसे हैं और लगाने के बाद इसे घुमाते कैसे हैं। तो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है, एक का नाम पिक्सल लैब है और दूसरे का नाम काइन मास्टर है। तो हम सबसे पहले पिक्सल लैब को यूज़ करेंगे। तो हम पिक्सल लैब को ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके गैलरी से अपने चैनल का एक लोगो ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लोगो ले लिया है और लेने के बाद यहाँ से ओके कर देंगे। तो अगर आपको अभी तक अपने चैनल का लोगो बनाना नहीं आया है तो मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख कर सीख सकते हैं। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर ऊपर आई बटन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। और उसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे और ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद ऊपर सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सेव अस इमेज पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे छोटा सा एरो नज़र आएगा, आप इस पर क्लिक करके अल्ट्रा को सिलेक्ट कर लेंगे और सेव टू गैलरी पे क्लिक करके इसे अपनी गैलरी में सेव कर लेंगे। अब हम दूसरे एप्लीकेशन का यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम काइन मास्टर है। मैं आपको इस दोनों एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इस दोनों को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम सिंपली काइन मास्टर को ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे प्लस का आइकन नज़र आएगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे और आप यहाँ पे कोई सा भी चूज़ कर लेंगे। तो हम इसी को चूज़ कर लेते हैं। तो हमें जिस भी वीडियो में लगाना है वो हम वीडियो यहाँ पे ले लेंगे। तो हम यहाँ से एक बैकग्राउंड कलर ही ले लेते हैं। तो मान लीजिए ये मेरी वीडियो है, अब हम इसमें लगाना चाहते हैं। तो लगाने के लिए हम लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अभी जो हमने बनाया था लोगो वो लोगो हम यहाँ से ले लेंगे। तो हम यहाँ से जल्दी से ले लेते हैं। तो हमने ये वाला लोगो ले लिया है, अब हम इसको कुछ छोटा करके जहाँ पे भी चाहे वहाँ पे लगा सकते हैं। और लगाने के बाद अब हम बात कर लेते हैं कि इसे जहाँ तहाँ घुमाना कैसे है इस तरह से। तो ये करने के लिए आपको यहाँ पर इधर चाबी का ऑप्शन नज़र आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा घसका के इधर ले आएँगे और लाने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और क्लिक करके आपको जिस तरफ भी घुमाना है उस तरफ आप इस वाले लोगो को घुमा लेंगे। तो हम चलिए इसी तरह घुमा लेते हैं और ये करने के बाद ओके कर देंगे। और ओके करने के बाद चलिए हम आपको बताते हैं कि ये घूमता है या नहीं। तो हम यहाँ प्ले के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस तरह हमारी वीडियो में घूमता है वो यहाँ पर उसी तरह घूम रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपनी वीडियो में एक लोगो लगा सकते हैं और लगाकर उसको इधर उधर घुमा भी सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।